वो नंबर दो जो मैं हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट में डाल सकूं। मुझे इतना ही लंबा भाषण नहीं देना, मुझे कोई थ्योरी नहीं चाहिए, मुझे किताब नहीं चाहिए, मुझे बस नंबर चाहिए। मुझे नंबर दो, नंबर चाहिए। मुझे यह बताओ कि हिंदुस्तान के 20% गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी कितना पैसा डाल सकती है? एक शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी। अब जाओ जिससे पूछना है पूछो, दुनिया के सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट है उनसे जाकर पूछो, मगर मुझे एक नंबर चाहिए। वापस आओगे तो मुझे नंबर देना। 5 महीने बाद कुछ ही दिन पहले मेरे पास आए, कागज पर उन्होंने एक नंबर लिख दिया, मुझे दिया 72,000। मैंने उनसे पूछा ये क्या है 72,000? उन्होंने मुझे बताया ये वो नंबर है 72,000 रुपए जो कांग्रेस पार्टी हर साल हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में डाल सकती है। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, नहीं नहीं सुनो, मैंने उनसे पूछा भैया ये आपने मुझे बताया सिर्फ एक साल देंगे क्या? वो नरेंद्र मोदी तो सालों भी नहीं दे रहा है, अनिल अंबानी को, मेहुल चौकसी को। मैंने उनसे कहा भैया एक साल से काम नहीं होने वाला, मिला आप मुझे बताओ ये कब तक दिया जाएगा? तो मैं आपको दूसरा नंबर देता हूं, एक साल में 72,000 रुपए, 5 साल में 360,000 रुपए आप सबके बैंक अकाउंट पे जाने वाला है। 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी 360,000 रुपए डाल देगी। क्या निर्णय है? गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक धड़क है। अगर वो अनिल अंबानी में दे सकता है तो हम किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को दे सकते हैं। देखे दिखा देंगे। तो जिसकी भी आमदनी, अब सुनिए ये आपके लिए बोल रहा हूं मैं, अब यहां जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, इस भीड़ में जिनकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, भाइयों और बहनों आपके बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल का जा रहा है। योजना का नाम न्याय योजना, और इसके दो लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक। नरेंद्र मोदी ने गरीबों पर वार की, हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। 5 साल के अंदर आपको इस देश में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी का हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। बिछ गई 2019 की शतरंज, जनता जाएगी किसके साथ? महागठबंधन, एनडीए में जंग, कौन है जनता का